गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो मैंने झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं बनाऊँगी आज गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और मैंने जीरा डाल दिया है और इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से पकने देंगे। तो फिर हम सारे जो भी मसाले वगैरह है ना उसको सबको डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। तो आज है ना क्या कि हस्बैंड थोड़ा जल्दी चले गए, तो फिर मैं खाना थोड़ा लेट ही बना रही हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं आऊँगा तब खा लूँगा, तो आज उनके लिए मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। तो उन्होंने, उनकी ख़ास फरमाइश थी कि मेरे मक्के की रोटी बनाना, तो मैं आज उनके मक्के की रोटी बनाऊँगी। तो ये मेरा मसाला कंप्लीट हो चुका है और मैंने गोभी डाल दी इसमें। तो कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्ज़ी का, आप देख सकते हो। तो बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं मेरे पास ही है वो। मैंने डाल दिया खूब सारा पानी है क्योंकि मैं बनाऊंगी उनके लिए मक्के की रोटी, तो पानी तो मक्के की रोटी में चाहिए। तो फिर मैंने खूब सारा पानी डाल दिया है, अभी तो और डालूंगी इसमें पानी। और इधर मैं सब्ज़ी बन रही है और इधर मैं ना मेरे आटा लगा रही हूँ, मतलब गेहूं का। मैं मक्के की रोटी नहीं खाती तो मैं गेहूँ का आटा लगा लूँगी मेरे गेहूँ का आटा लगा लिया है और अब मैं इसको ना मतलब रख दूंगी, क्योंकि मेरे को अभी खाना नहीं खाना, मेरे को थोड़ा लेट खाना है तो मैं बाद में खाऊंगी। तो ये मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। मैं इसमें धनिया डाल दूंगी और फिर मैं इधर सब्ज़ी बन के तैयार है और मैं मतलब मक्के का आटा लेके आ गई और मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी उनके लिए। मक्के की रोटी तो चूल्हे पर ही बनती है, गैस पे इतना टेस्ट नहीं आता है मक्के की रोटी का। तो मैं ना तक कंप्लीट हो चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ रसोई में। मेरे को बनाना है मेरा खाना, हस्बैंड खाना खा के चले गए, उनके लिए मैंने बनाई मक्का की रोटी। तो मेरे सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर लिए, सब घर की सारी क्लीनिंग पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया। बस अब तो मेरा खाना बाकी है जो मैं बना रही हूँ अब खाना। जस्ट मैंने आटा लगा के रख दिया था, सुबह ही लगा दिया था आटा। तो मैंने बना लिया खाना और मैं खा रही हूँ खाना। अब खाना बना रही थी, मैंने बालों को बांध लिया था पीछे, तो बना रही हूँ। बन गया मेरा खाना वाना, तो खा लेती हूँ। अभी हम जा रहे हैं खेत पर, सोनू और ये नविया। नविया चल रही है खेत पर, बोलो कौन है।
तो हम पहुंच चुके हैं खेत पर। हमारे को ट्रैक्टर की आवाज़ भी आ रही है, उधर ट्रैक्टर चल रहा है क्योंकि आज खेत में बीज डालेंगे ना, इसलिए। नव्या को देखो कैसे आगे आगे चल रही है ये। ट्रैक्टर द्वारा खेतों में बीज डल रहा है अभी ये भैया चला रहे हैं ट्रैक्टर। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये, हाय बोल रहे हैं आप सभी को। मेरे को तो देखो इनको, ये सब गड़ा झूठ रहे हैं अभी, मतलब कि चावल निकाल रहे हैं इसमें से। तो ये हैं सरसों, सरसों का खेत है ये, देख रहे हो आप सब, हरे हरे सरसों हैं। आज हम आए ऐसे ही खेत पर, ऐसे तो मैं खेत पर आती नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसे मन हो गया था आने का, भैया ने बोला था चले खेत पर बीज डल रहा है तो देख के आएंगे, तो आ गई मैं खेत पर। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, बस पहुंचने वाले ही है तो ये रोड पर लग गए। मैं पहुंच गई घर पे और मैं लग गई फिर वही घर के काम में, मम्मी और भैया की चाय बनाई थी और दिन के जो बच्चों ने खाना वगैरह खाया था ना, उनके सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे जो मैं साफ़ कर रही हूँ अभी। और आज क्या है ना, हस्बैंड बाहर गए हैं खाना खाने, क्योंकि उनके कोई दोस्त के प्रोग्राम था तो वो थोड़ा लेट ही आएंगे और खाना वगैरह भी खा के आएंगे। तो फिर मैं तो बच्चों ने बोला मम्मी चावल बना लो, तो फिर आज मैं चावल ही बनाऊँगी शाम के खाने में। तो मैंने चावल ले लिए और इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस चावल के अलावा बस चावल ही बनाऊँगी। ज़्यादा भूख भी नहीं है हमारे को, बच्चों को भी नहीं है, वैसे बच्चे कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं है, तो बना रही हूँ चावल। और मैंने सारे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला चावल में, बस मैंने नॉर्मली तरीके से जो भी घर में सब्जियां थी वो बस डाल दी, और क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी, परेशान कर रहे थे मेरे को, तो जब इससे बड़ा ऑप्शन कोई नहीं था तो मैंने फटाफट से चावल बना लिए। और क्या कि वो खेत पर गए थे ना बच्चे, तो उनको भूख भी लग रही थी इसलिए जल्दी भूख लगी थी, जो फिर बन गए मेरे चावल, कंप्लीट हो गए। देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है चावलों का। तो खा लिया हम सभी ने खाना और बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने वॉश करके रख दिए, और मैंने जो चावल बचे थे ना उसको भी मैंने कटोरी में रख के ढक दिए, क्योंकि
हस्बैंड खाएंगे, मेरे को पता है वो आने के बाद। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो अभी नव्या को आ गई नींद, अंशु को बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो मेरे बिना सो ही नहीं पाएगा। मैं जाऊँगी तब जाके उसको नींद आएगी। तो हमारी हो रही सोने की तैयारी, तो अब हम सोएंगे। हमारे बिस्तर वगैरह लगा दिए हमने, हस्बैंड आए नहीं, वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी आने में। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो मेरे को तो आ रही नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने। अंशु परेशान कर रहा है मेरे को। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दे। तब तक के लिए गुड नाइट।